नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चावल के एक नए तरीके के नाश्ते। यह नाश्ता बनाना बहुत आसान है, आप अपने घर बहुत आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चावल के नाश्ते बनाना। चावल के नाश्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी पका हुआ चावल लिया है, एक बड़े चम्मच नारियल पाउडर, एक चम्मच राई, दो सूखी लाल मिर्च को हमने छोटे छोटे पीस में काट कर लिया है, एक बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, एक छोटी चम्मच उड़द की दाल, आधी छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम चावल को इस जार में डालकर पीस लेते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, सूखा ही पीसेंगे, क्योंकि चावल हमारे उबले हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं। चावल को हमने इस तरीके से पीस लिया है, अब इस प्लेट में निकाल लेते हैं। चावल को हमने पीस कर इस प्लेट में निकाल लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है, अब गैस को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में डाल देते हैं तेल को और तेल को हल्का गर्म होने देते हैं। तेल हमारे हल्के गर्म हो गए हैं, अब इसमें हम राई को डाल देते हैं। राई को थोड़ा चिटका लेते हैं और इसमें उड़द की दाल को डाल देते हैं। राई और उड़द की दाल को मिलाकर भून लेते हैं। जब राई उड़द की दाल दोनों अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें लाल मिर्च को डालेंगे। राई हमारे अच्छे से चिटक रहे हैं और दाल हमारे भून गए हैं, अब हम इसी में सूखी लाल मिर्च को डाल देते हैं। अब इसी में चावल को डाल देते हैं। चावल को राई उड़द के दाल में मिलाकर 2 मिनट तक पका लेते हैं। इसी में हम नारियल पाउडर डाल देते हैं और स्वाद के अनुसार नमक को डाल देते हैं। चावल में नारियल पाउडर और नमक को मिलाकर अच्छे से पका लेते हैं। इसको हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे। चावल में जो बड़े बड़े ढोके हैं इसको हम अच्छे से फोड़कर मिला लेते हैं, जिससे नमक का स्वाद पूरे चावल में अच्छे से मिल जाए। चावल में हमने सभी सामग्री को मिलाकर 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चावल को प्लेट में निकाल लेते हैं। चावल को हम हल्का ठंडा करेंगे, इसको हम रख देते हैं ठंडे होने के लिए। तब तक के लिए हम मूंगफली की चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम मूंगफली को लिया है, इसको हल्का से भून कर इसका छिलका साफ कर दिया है, 2 से 3 दाना लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। अब मूंगफली को इस जार में डाल देते हैं, लहसुन हरी मिर्च को डाल देते हैं और नमक स्वाद के अनुसार। इसी में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इसमें हम 3 छोटी चम्मच पानी को डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से पीस लेते हैं। नाश्ते के लिए हमने चटनी को पीस कर तैयार कर लिया है, अब इसको हम इस कटोरी में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह नारियल की चटनी बना सकते हैं। चटनी को हमने पीस कर इस कटोरी में निकाल लिया है। चावल हमारे हल्के ठंडे हो गए हैं, पूरी तरह से हमने चावल को ठंडा नहीं किया है। अब इसी में हरी धनिया को डाल देते हैं। हरी धनिया को चावल में हम हाथ से मिला लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह करी पत्ता को डाल सकते हैं। धनिया को हमने चावल में मिला लिया है, अब हम हाथ में छोटा सा लोई लेंगे। अब इसको दोनों हाथ से दाब कर टिक्की जैसा बना लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे चावल की टिक्की बना लेते हैं। एक साइज के सारे लोई हम लेकर टिक्की को बनाते जाएंगे।
एक एक करके हमने सारे टिक्की को बना लिए हैं। टिक्की को हम भाप में पकाएंगे। भाप पकाने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। अब कढ़ाई में डालेंगे 1.25 कप पानी। पहले 1 कप पानी डाल देते हैं, 1/4 कप पानी और डाल देते हैं। अब कढ़ाई में स्टैंड को रख देते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके का प्लेट लिया है, प्लेट को स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। प्लेट पर हमने तेल को लगा दिया जिससे टिक्की चिपके ना। अब कढ़ाई को ढककर हम पहले पानी उबाल लेते हैं। पानी हमारे उबल रहे हैं, हम ढक्कन को हटा देते हैं। अब प्लेट के ऊपर हम सारे टिक्की को रख देते हैं। अब इसको हम ढककर तेज आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट तक हमने पका लिया है। अब ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। टिक्की हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं। सारे टिक्की को हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। एक एक करके हमने सारे टिक्की कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे चावल के नाश्ते और मूंगफली चटनी बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहे इसी जगह नारियल चटनी बना सकते हैं। यह नाश्ते मूंगफली चटनी या नारियल चटनी के साथ खाने में अच्छे लगते हैं। यह नाश्ता हमने ताजे चावल का बनाया है। आप चाहे तो इसे बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब।